नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से हो रही मौतों पर। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जो लोग मैनुअली हमारे आसपास रहने वाले ही लोग होते हैं, लेकिन वो अपने हाथों से अपने शरीर का उपयोग करते हुए जो गली में सीवर होता है या सड़क पर सीवर होता है उसकी सफाई करते हैं, अपने हाथों से सफाई करते हैं। इस बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस भी आए हैं, बहुत सी संस्थाओं ने इस पर काम भी किया है और सरकारों से मांग की है कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग होने की जगह इन पर मशीनें लगाई जाएं। जो व्यक्ति अपने हाथों से हमारी गंदगी साफ करता है वो अपने हाथों से नहीं बल्कि मशीनों से ये गंदगी साफ हो, जैसा कि विकसित देशों में होता है। लेकिन देश में बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग ही हो रही है। इसकी एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जो कि बहुत हैरानीजनक और चौंकाने वाली है। न जाने सरकार कब जागेगी और कब इन लोगों की जो हाशिए पर चले गए हैं बिल्कुल, जिनकी ज़िंदगी अगर कहें कि जीवित रहते नरक के बराबर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन सरकार इनके बारे में कब जागेगी, कब इनके बारे में सोचेगी। बेशक हमने दो दिन पहले चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भेज दिया है, लेकिन स्थिति ग्राउंड पर स्थिति क्या है ये सबके सामने है। हालात यह हैं कि 2019 के शुरुआत से लेकर अब तक करीबन 7 महीने में 50 से ज़्यादा सीवर मैंस की मौत हो चुकी है जो सीवर साफ करते हैं, यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी NCSK के आंकड़ों के अनुसार 2019 की पहली 6 माही में सीवर की सफाई के दौरान 50 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हालांकि NCSK का कहना है कि ये आंकड़े केवल 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के हैं। हालांकि NCSK का कहना है कि इन 8 राज्यों ने मरने वाले कर्मचारियों की संख्या कम करके दिखाई है। सफाई कर्मचारी आयोग को जो आंकड़े राज्यों ने दिए हैं उन्हीं को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। 1984 सिख दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 33 लोगों को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर यह फैसला दिया है। इससे पहले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इन लोगों को दोषी ठहराया था और 5 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। MTNL और BSNL के 3 दफ्तरों में एक ही दिन आग लगी। सरकार ने जांच के आदेश जारी किए। 22 जुलाई को MTNL के मुंबई स्थित बांद्रा टेलीफोन एक्सचेंज और BSNL के कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित इमारत में भीषण आग लग गई थी। वहीं दिल्ली में MTNL के किदवई भवन में आग लगी थी। कर्नाटक में भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार येदुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत पर मतदान के साथ राज्य में पिछले 3 हफ्तों से चल रहे सियासी घमासान का अंत हो गया। 99 विधायकों ने विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मत दिया। साथ ही HD कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी कांग्रेस JDS सरकार गिर गई। अन्ना हजारे ने RTI संशोधन मामले पर कहा मोदी सरकार कर रही है लोगों से धोखा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन देश के लोग यदि RTI कानून की शुचिता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे तो वह उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के किसान ने 94 साल की उम्र में जीती 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी। हरियाणा के जींद में एक 94 साल के किसान ने 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। इनाम जीतने वाले किसान बलवंत सिंह ने अब पंजाब के लॉटरी विभाग के पास अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। मैक्सिको सीमा पर अवैध रूप से अमेरिका में घुस रहे पंजाबी लोगों की वीडियो वायरल। यह एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में पंजाबी अवैध रूप से मैक्सिको की सीमा लांघकर अमेरिका में घुस रहे हैं। अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के इस प्रयास के कारण कई पंजाबी अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई जेल में कैद हैं। अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर पिछले महीने लू लगने से एक भारतीय बच्ची की मौत भी हो गई थी। वह अपनी माँ के साथ पैदल यात्रा करते हुए वहां पहुंची थी। मानव तस्करों ने माँ बेटी को सीमा पर छोड़ते हुए उन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने के लिए कहा था। अब 2 नए वीडियो सामने आए हैं जिनमें कुछ पंजाबी लोग अपने बच्चों के साथ अवैध रूप से सीमा बाड़े को पार कर मैक्सिको से अमेरिका में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही वीडियो में सीमा का बेड़ा पार कर रहे लोग पंजाबी में बात करते दिख रहे हैं। सभी हड़बड़ी में हैं और जल्द से जल्द अमेरिका की धरती में प्रवेश करना चाहते हैं। एक फोटो में एक औरत अपने बच्चे के साथ बेड़े को पार कर रही है, वहीं पुरुष कुछ सामान लिए हैं और उनके साथ दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिकी सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण पिछले साल करीबन 127 लोगों की जान चली गई थी। की करनी है।
Bueno, rápido, yo voy a tomar video, rápido. Métete a poner la tabla, güero. Go, hey, amigo. Bye. Left. Bye. Bye, amigo. Bye. 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 Bye, amigo. Bye. 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 इनेलो के बाद रामचंद्र कंबोज ने विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। हरियाणा के रानिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामचंद्र कंबोज ने स्पीकर कंवरपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया। इनेलो के सभी पद और सदस्यता वह पहले ही छोड़ चुके हैं, अब उन्होंने विधायक पद से भी त्यागपत्र दे दिया। उनके जल्दी भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं, हालांकि कंबोज ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दो केले की कीमत 450 रुपए। बिल्कुल आपने सही सुना, अभिनेता राहुल बोस को चंडीगढ़ के एक नामी गिरामी होटल ने 2 केले की कीमत 450 रुपए लगा दी। अभिनेता ने इस पर एतराज जताया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2 केले की कीमत क्या हो सकती है। चंडीगढ़ के एक मशहूर होटल में 2 केलों की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां 2 केले की कीमत 442.50 रुपए है। यह खुलासा किया है मशहूर बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस ने। राहुल बोस ने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने इसके साथ ही लिखा कि किसने कहा यह फल आपके लिए हानिकारक नहीं है। 10,000 लोगों की नौकरी खतरे में। ऑटो कंपनी निसान करेगी दुनिया भर में छटनी। जापानी कार कंपनी निसान ने बुधवार को दुनिया भर में 10,000 से अधिक नौकरियों में कटौती करने की योजना बनाई है। पिछले कारोबारी साल में निसान का शुद्ध लाभ लगभग 1 दशक के निचले स्तर पर आ गया और उसने अगले 12 महीनों के लिए पहले से ही मुश्किल कारोबारी माहौल की चेतावनी दे दी है। कंपनी गुरुवार को पहली तिमाही की कमाई की घोषणा करने वाली है।